नमस्कार जनते, में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। बात करेंगे हम राजस्थान के बजट से, जयपुर को क्या मिला। कैपिटल है जयपुर, घोषणाएं काफी हैं, लेकिन जयपुर की पब्लिक सोचती क्या है कि वास्तव में पहले जो बजट हैं वो नाकाफी थे या फिर कुछ हो ही नहीं पाया। पहले के घोषणाओं का क्या हुआ, कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली जब परकोटे की स्थिति जानने की कोशिश की और वहां लोग क्या सोचते हैं मैं आपको बताऊंगा, और मुख्यमंत्री क्या घोषणाएं कर रहे हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो जरा सुनिए, उसके बाद लौटते हैं हमारे पैनलिस्ट जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के लिए बड़े गर्व की बात है। सरकार के प्रयासों से हाल ही में जयपुर के चार दीवारी इलाके को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। इसमें तो आप लोग बजा सकते हैं ताली, आप सब मिलके बजाओ भाई, एक बार सब मिलके बजाओ, जयपुर को हेरिटेज में शामिल किया गया। जयपुर वासी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस कड़ी में एक हेरिटेज वॉक प्रारंभ करने के लिए एक व्हीकल फ्री जोन चिन्हित किया जाएगा, जिससे पर्यटक आकर्षित होंगे और व्यापारियों को भी फायदा होगा। जयपुर की मेट्रो प्रथम चरण बी का कार्य अध्यक्ष महोदय शीघ्र ही पूरा किया जाकर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक वॉल्ट सिटी में मेट्रो सेवा प्रारंभ होने जा रही है। भिक्षावर्ती एवं भिक्षावर्ती असामाजिक अभिशाप है। इस कुरीति को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने भिक्षावर्ती उन्मूलन अधिनियम 2012 लागू किया था, परंतु गत सरकार ने इस कुरीति के उन्मूलन की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अब हम अधिनियम के प्रावधान का उपयोग करते हुए सबसे पहले जयपुर को भिक्षावर्ती मुक्त शहर बनाएंगे। चलिए, अशोक गहलोत क्या कर रहे हैं आपने सुना, और जयपुर की जनता क्या सोचती है बजट को लेके, ये जानकारी हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली ने ली। एक बार जरा पंचोली क्या बात कर रहे हैं लोगों से, जरा हम आपको सुनवाते हैं, फिर अब चर्चा करेंगे हम पूरे मुद्दे को लेके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में वॉल सिटी यानी राजधानी जयपुर के लिए भी कई खास घोषणाएं की है। स्मार्ट सिटी बनने वाला जयपुर, इन घोषणाओं के बाद कैसा होगा जयपुर के जो जानकार लोग हैं, जो जयपुर के हेरिटेज को बनाए रखना चाहते हैं, उन लोगों से भी हम बात करते हैं। सर, आप कई बार कई मुद्दे आपने जो जयपुर के हैं वो उठाए हैं, अलग अलग मुद्दे उठाए हैं। फिर से जो गहलोत सरकार है उसने एक बार फिर राजधानी जयपुर का जो वॉल सिटी क्षेत्र है उस पर फोकस किया है, स्मार्ट सिटी भी जयपुर बनने वाला है, क्या मानते हैं ये घोषणाएं हैं, कैसे आगे बढ़ेगी? जो सरकार ने मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सही है, और ये अगर सरकार की इच्छा शक्ति के पर निर्भर करता है। पूर्व में मुख्यमंत्री की इच्छा शक्ति थी तो जयपुर के अंदर स्मार्ट सिटी के नाम पे ये वरंडे खाली हुए, तो ये एक उपलब्धि थी। आपसे भी जानना चाहेंगे, जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी यानी स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, लेकिन आज भी जयपुर में आवारा पशु घूमते हैं, सड़कों पर जाम रहता है, लो फ्लोर बसें कई बार खराब हो जाती है, अक्सर यहाँ पर आप देखते हैं बिजली के जो तार हैं खुले पड़े हैं, चुनौतियां हैं सरकार के सामने? सर, वर्ल्ड क्लास सिटी के नाम पे माननीय गहलोत साहब ने जो घोषणा करी है स्वागत योग्य है, हम उसका स्वागत करते हैं, बशर्ते उस पर इम्प्लीमेंशन हो, मदस्तूर हो, इच्छा शक्ति के अनुसार। जयपुर को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में घोषणाएं की है कि इस तरह से वर्ल्ड सिटी को किया जाएगा, जोन फ्री होगा यहाँ पर, लेकिन एक मेरा सवाल, अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या ये एक सपना ही रहेगा या धरातल पे आएगा? सर, घोषणाएं तो हर बजट में हर मुख्यमंत्री करता है, मगर वो घोषणाएं पूर्ण रूप से लागू नहीं होती है, सुचारू रूप से लागू नहीं होती है। घोषणाएं करना सरकार का काम है और उस पर अमल होता नहीं है, जनता परेशान होती रहती है, जनता के लिए एक तोहफा दिखाना है और कुछ नहीं। तो वाकई जयपुर की जनता मानती है कि चुनौतियां हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 1727 में जब जयपुर की नींव रखी गई थी बड़े ही सुनियोजित तरीके से रखी गई थी, आज चुनौतियां हैं, लेकिन सरकार अब समझ चुकी है कि किस तरह से जो हेरिटेज सिटी है यूनेस्को की उनमें जयपुर को शामिल
के जो परकोटा है उसे शामिल कर लिया गया है, लेकिन अब चुनौतियों के सामने सरकार किस तरह से इसे जो अगली अपनी जो घोषणाएं बजट में की है उन्हें धरातल ला पाती है। किसी चुनौती से सरकार के सामने कम नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इसे आगे बढ़ाती है तो जयपुर के जो बासिंदे है इसका स्वागत करते हैं। सहयोगी मनोज हरित के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी जयपुर। तो चलिए, आपने सोचा सुना माफ करिएगा कि क्या सोचती है जयपुर की जनता। सबका कहना है कि बजट हमेशा अच्छे होते हैं, फ्री वाईफाई की घोषणा भी हुई थी, कई चीजें ऐसी दी है कि हाँ ये होगा, लेकिन जयपुर में जो कुछ है अगर वो भी बचा रहे तो भी जयपुर बहुत बेहतर और सुंदर होगा। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ विष्णु कुलवाल जी, जो जयपुर की वॉल सिटी को बहुत नजदीक से देखा है। शालिनी पारिक जी हमारे साथ में है। सुशील शर्मा साहब पार्षद हमारे साथ में जुड़े हैं। मेमुना नरगिस जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो इस पूरे कल्चर पे अपना काम कर रही हैं। संस्कृति पारिक यूथ हमारे साथ में है, और सीलदा भाई जी जयपुर की पूर्व महापौर हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं एक बार विष्णु कुलवाल साहब के पास जाना चाहूंगा। कुलवाल साहब, अनाउंसमेंट्स किए हैं कुछ महत्वपूर्ण। एक तो 13,000 करोड़ रुपए की लागत से मेट्रो फेज 2 बनाने की जो घोषणा की है, एक बैगर फ्री भिक्षावृत्ति से मुक्त होगा जयपुर, फिर राजस्थान के अन्य हिस्सों में भी लेकर के जाएंगे। अभी यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है जयपुर को, वो बड़ी, मुझे लगता है कि जयपुर के लिए बड़ी फख्र की बात है। क्या वास्तव में कुछ ऐसी घोषणाएं है और हैं? दिया तो बहुत कुछ है, किस तरह से भरोसा करते हैं आप पूरे बजट को लेकर जयपुर की अगर बात करें तो? देखिए योगेंद्र जी, जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो के लिए जो कहा है और जो योजना है, वो योजना काफी लंबी रहेगी, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले रिफाइनरी का भी एक विषय रखा, रिफाइनरी भी लेके आए थे, मगर वो रिफाइनरी आज दिन तक 10 साल शायद हो गए उसको, अभी तक भी नहीं बनी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेट्रो नहीं बने, पर हम चाहते हैं कि जो सरकार जो वादे करती है वो अपने शासन काल में पूरा करे, क्योंकि आगे आने वाला शासन जरूरी नहीं है कि उस कार्य को पूरा करे कि नहीं करे। सवाल नंबर 2 पे जयपुर शहर के लिए बोला कि भिक्षावृत्ति से जयपुर को मुक्त कराया जाएगा। आज ही मैंने देखा, जिस ढंग से कल तो ये बजट आया और आज ये इस प्रकार की बात है कि भिक्षावृत्ति भिक्षा मांगने वाली औरतें पेन लेके खड़ी है कि सर प्लीज पेन ले लीजिए, भूखे मर रहे हैं। तो भिक्षावृत्ति मांगने, मतलब सरकार से एक कदम आगे जो भीख मांगने वाले लोग हैं, भिखारी लोग हैं, वो सरकार से एक कदम आगे हैं। तो सरकार जिस कदम को बढ़ाना चाहेगी, तो क्या इस प्रकार के माल बेचने वालों को लोगों को रोकेगी कि सरकार? तो सवाल है कि सरकार जो लाती है, सरकार की योजनाएं, मैंने पहले भी बहुत बार कहा योगेंद्र जी, सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी होती है, पर नीचे वाले उस योजनाओं को कितना सफल और कितना असफल करते हैं ये सब उस पर निर्भर है। देखिए, आज जिस ढंग का राजस्थान का व्यापारी या हिंदुस्तान का व्यापारी जिस स्थिति में चल रहा है, ने केंद्र सरकार ने व्यापारियों पर ध्यान दिया और न राजस्थान सरकार ने व्यापारियों पर ध्यान दिया, तो आज व्यापारी किस जगह खड़ा है उसके बारे में वो बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि व्यापारी की स्थिति किसान, मजदूर, युवा, बेरोजगार, उन ज्यादा उससे ज्यादा स्थिति व्यापारी वर्ग की अब इस समय खराब होने जा रही है, लगातार मैं देख रहा हूं। तो सरकार आज व्यापार बढ़ाने के लिए बात करे, और आप वर्ल्ड सिटी की बात करते हैं, वर्ल्ड सिटी की बात करते हैं, तो मैं कहता हूं कि आज पिंक कलर जो सरकार इस पिंक सिटी को मेंटेन रखना चाहती है, तो जब बरसात शुरू होती है तब वो रंग शुरू होता है और वो छोटी चौपड़ से शुरू होता है, रामगंज जाते जाते फिर नया वापस रामगंज से फिर छोटी चौपड़ वापस चांदपुल तक आएगा। इस प्रकार के बजट को सरकार ये देखे कि कितना बड़ा पैसे का मिस यूज है। अगर सरकार इस चीज को करेगी, अभी सवाल है कभी पानी की योजना, 70 साल में पानी की इंतजाम नहीं करते, सिटी वाल की बात कर रहा हूं मैं, आज 70 साल की देश की आजादी के बाद भी सिटी वाल में पानी की स्थिति बहुत खराब है। तो सरकार को यह सोचना होगा कि अभी इन पे जो नियम है, उन नियमों को अगर ये नियमों की पालना अधिकारी वास्तव में करना चाहते हैं और जनता के साथ मिलकर विकास करना चाहते हैं, तो ये अच्छा बजट होगा, अगर नहीं करेंगे तो सबसे बुरा बजट होगा। चलिए, मैं आऊंगा आपके पास में, मेमुना के पास में जाना चाहूंगा। मैडम, बजट से कुछ ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ का आर्ट और विश्व धरोहर में जिस तरह से हमारा परकोटा शामिल हुआ है, अभी आपको लगता है कि यथास्थिति इसकी बनाए रखने की जरूरत है या वास्तव में इसमें कुछ किया जाना चाहिए?
जी बहुत सारी इश्यूज हैं हेरिटेज को लेके जो सरकार को करने चाहिए। देखिए सरकार क्या करती है, आर्ट एंड कल्चर को एक बजट दे देती है और बजट दे के वो सोचती है कि वो फ्री हो गई है। खाली बजट देना ही काम नहीं है, उस बजट का सही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा, सरकार को ये देखने के लिए एक कमेटी बिठानी बहुत जरूरी है। हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स में दो तरह के काम होते हैं सर, एक होता है सिविल कंजर्वेशन रेस्टोरेशन और एक होता है जो म्यूजियम्स के अंदर हमारी एंटीक्विटीज रखी हैं, जो आर्ट ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, जो आर्टिफैक्ट्स रखे हैं, उनका कंजर्वेशन। यहां पर क्या है, हिंदुस्तान के अंदर जो सिविल इंजीनियर्स हैं वो उन्हीं को उसी कमेटी में बिठा रखा है कि जो आर्टिफैक्ट्स कंजर्वेशन को चेक कर रहे हैं, जबकि ये दोनों अलग चीजें हैं। एक सिविल इंजीनियर आर्टिफैक्ट्स के कंजर्वेशन को नहीं जानता है, उसे पता ही नहीं एबीसीडी के कौन सा केमिकल यूज होगा, कैसे ये ठीक होगा। पहली बात ये कि ये दो कमेटियां अलग अलग सरकार को बनानी चाहिए जो इस काम को चेक करें। दूसरी बात ये कि सर ने अभी एक बात कही कि बरसात में कलर शुरू होता है और कलर हो जाता है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट में हमारा शहर शामिल हो गया है। ये जहां तक लोग कह रहे हैं कि गर्व की बात है, लेकिन ये गर्व तब तक सलामत रहेगा जब तक उसको हम सलामत रखेंगे जो हेरिटेज की गरिमा है, और हेरिटेज की गरिमा को सलामत रखने के लिए हमें उसके उस पुराने जो रूप में जो कलर यूज हुआ है उस कलर को मेंटेन करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि छोटी चौपड़ तो दे दी किसी और ठेकेदार को, जौहरी बाजार दे दिया किसी और ठेकेदार को, फना बाजार दे दिया किसी और ठेकेदार को, अब कलर टोन चेंज हो गया है। कलर टोन चेंज है, कलर का रंग जो जो पिगमेंट यूज होते हैं वो चेंज है, कॉमर्शियल कलर यूज हो रहे हैं, तो ये सब चीजें देखिए सरकार को देखनी पड़ेंगी तभी हेरिटेज। लेकिन वर्ल्ड जो मानसिंह टाउन हॉल है जिसमें पुरानी विधानसभा हुआ करती थी जी, उसे एक बड़ा संग्रहालय बनाया जा रहा है जिसमें मुझे लगता है कि हमारी आर्ट ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ी जो जिन चीजों को कंजर्वेट करने की आवश्यकता है वो रहेंगी वहां पे। सर अगर ये दोबारा शुरू हो रहा है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है, लेकिन शायद मुझे नहीं लगता कि आपको ये बात पता हो। नहीं, बजट में अनाउंस किया है और नहीं, बजट में अनाउंस हो गया है, बजट में तो अनाउंस हो गया, उसका काम तो बहुत साल पहले शुरू भी हो गया था और वो रॉयल फैमिली ने रोक दिया था क्योंकि वो लीज पे दिया गया था गवर्नमेंट को, और लीज पे देने के बाद उसके लीज कंप्लीट हो गया था और दिया कुमारी ने उसको ये कह के बीच में काम रोका है, यानी कि ठेकेदारों का बहुत लॉस हुआ है। नहीं, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और वो गवर्नमेंट के पास ही है, तो वही मैं मुझे ये अभी बात ये पता चली और ये बहुत अच्छी बात है कि एक एक अच्छा और नया म्यूजियम तो हमारे शहर को मिले। जो बिल्कुल चेयरपर्सन मिस्टर लखावत थे जी, उनका ऑफिस भी वहीं पे था जी, था ऑफिस और वो आज भी ऑफिस वहां पर है, वो दोबारा वहीं आ गया है ऑफिस। लेकिन सर ऑफिस की बात नहीं हो रही, बात ये हो रही वहां पर 50% काम हो चुका था, मैं वही आपको बताना चाह रही हूँ, 50% वहां काम हो गया था, रॉयल फैमिली ने वो काम रोका है ये कह के कि ये प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है, ये हमारी है, हमने लीज पे दी थी। चले मैं वापस लौटूंगा आपके जी पास, बिल्कुल मैं शालिनी जी के पास में जाना चाहूंगा। मैडम कुछ ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं जिसको लेकर के लगता है कि या तो भरोसा करें या फिर पहले के जो बजट रहे हैं कभी भी वर्षों से चले आ रहे हैं कुछ उन पे भरोसा किया जाए कि नहीं किया जाए, ये बड़ा एक पहलू होता है बजट के अंदर। बजट हमेशा अच्छे होते हैं लेकिन बस बजट का उसका लागू करने का तरीका कब हो रहा है, एक टाइम पीरियड पे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में हम लोग शामिल हुए हैं, हमारा परकोटा, खासकर परकोटे की स्थिति आप तो जयपुर में देखे होंगे, परकोटे की स्थिति, उसके अलावा बात संरक्षण की हो रही है, मेट्रो की हो रही है, बगैर फ्री तो कर दिया, लेकिन मैं एक चीज की ओर ध्यान आप लोगों का दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक विदेशी का यहाँ पे सांड के जरिए उसकी लड़ाई में उसकी मौत हो गई लेकिन उसका जिक्र नहीं है। तो कुछ ऐसा है बजट में जो लगता है कि हाँ बिल्कुल ये होना चाहिए था। नमस्कार, ये मिला जुला बजट है और आपने खुद ने ये पॉइंट बता दिया। बजट देखिए, हमेशा लोगों को बजट से उम्मीदें होती हैं और उम्मीदें रखना गलत नहीं होता। अब ये सरकार का काम है कि वो कितनी उम्मीदों पे खरी उतरती है। आप अपने बच्चे को ही सब कुछ नहीं दे सकते, है ना, हमेशा कोई ना कोई वर्ग उससे अनसैटिस्फाइड रहता है। तो जहां तक ये वाला बजट का सवाल है, मुझे लगता है हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर अशोक गहलोत, इन्होंने सोचा कि मिलीजुली सबको खुश रखेंगे, किसानों को भी खुश रखेंगे, टूरिस्ट को भी खुश रखेंगे, उससे हमारे जो राजस्थान के लोग हैं जो टूरिज्म पे, बिकॉज राजस्थान इतना इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्टेट है, तो यहाँ पे टूरिज्म पनपेगा,
इसके अलावा इन्होंने एनवायरमेंट के लिए भी सोचा है, तो ये मिली जुली बजट है मेरे हिसाब से। अब जब आप कह रहे हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट अबाउट वो जो बुल एक्सीडेंट हो गया था जिसमें टूरिस्ट के साथ हुआ, इसके अलावा भी पहले बहुत सारे कुछ ऐसे गलत इंसिडेंसेस हो गए हैं जहां पे टूरिस्ट के साथ थोड़ी बदतमीजी भी हुई है, मैं उस सब के बारे में नहीं बोलना चाहूंगी। बट द थिंग इज, देखिए लॉ एंड ऑर्डर को तो बहुत 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 संभालना पड़ेगा और उसको सबसे ज्यादा अहमियत देनी पड़ेगी, इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ ये नगर निगम का, ये हमारी सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट ये है, आज ही बंदरों की, वानरों की क्या बोलते हैं उसको, काउंटिंग स्टार्ट हुई है। अब इतने सारे स्ट्रीट एनिमल्स रस्ते पे घूमते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, दैट इज डॉग हो, सांड हो, गाय हो, कोई भी पशु हो, ये सिर्फ टूरिस्ट के लिए ही आपने क्यों ये पॉइंट सोचा? हम लोग क्या यहाँ के सिटीजन नहीं है? क्या ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी गौशालाएं खोल दी, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है? अलोकेशन करना तो बहुत ईजी बात है, अब उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा वो इम्पोर्टेंट है। उन्होंने मेरे हिसाब से इतने सालों से जो मैं देख रही हूँ बजट के बारे में, मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, मैंने एक चीज कॉमन सुनी है कि जमाना खराब आ गया है और महंगाई हो गई है। अब ये दोनों चीजों के लिए तो किसी के पास आंसर ही नहीं है, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनिमल्स को देखते हुए बहुत सारी गौशालाएं खोल दी हैं, इनफैक्ट बहुत सारी एनिमल हस्बेंड्री हॉस्पिटल्स खोले हैं, पर ये कब खुलेंगे, ये कब स्टार्ट होगा, ये पशु जो रस्ते पे चल रहे हैं ये कब हटेंगे, इनको सही जगह कब मिलेगी, ये एक मुद्दा बना रहेगा। दूसरी बात, टूरिज्म के लिए बहुत ध्यान दिया गया है, लोहगढ़ के लिए एक, मैं कहती हूँ एक स्पेसिफिक फोर्ट को ही क्यों ध्यान दिया, हवा महल है, हवा महल में आपने कभी ध्यान दिया है कितने टूरिस्ट पहुंच जाते हैं? उस मॉन्यूमेंट के ऊपर एक पॉइंट लगाना चाहिए कि इससे ज्यादा टूरिस्ट आज के तारीख में ऊपर नहीं चढ़ेंगे, मगर लोग इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे। आमेर जब नया नया आमेर था तो आमेर येलो कलर का होता था, जैसे ही जयपुर नगर बना, जयपुर नगर को पिंक सिटी बनाया गया। मैं देखती हूँ आमेर के तरफ येलो पेंट तो हटी है और जयपुर के तरफ जो असली पिंक है कलर, जो रियल पिंक है, वो हट गया है और अब तो ब्रिटिश कलर का कुछ अलग सा कलर हो गया। यहाँ पे रात को बहुत सुंदर तरह से लाइट अप करा जाता है शहर को, मगर दिन में क्या, रात को आपने लाइट अप किया है, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ्टी, लोग चलेंगे कैसे? रोज हम अभी जो परसों शास्त्री नगर में जो हुआ है दुखद कांड, उसके बाद में आपको लग रहा है कि सब फुल स्टॉप हो गया है? एवरी डे जवाहर सर्कल पे दो दिन पहले शास्त्री नगर के बाद में जवाहर नगर स्टार्ट हुआ है, तो लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान देना चाहिए। कैमराज, वुमेन सेफ्टी के लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने? वुमेन सेफ्टी के लिए इन्होंने बातें तो की है, मगर क्या उतने कैमराज लगेंगे? क्या वो कैमराज ऑपरेशनल रहेंगे? क्या औरतें घर से बाहर निकल पाएंगी इररिस्पेक्टिव वो क्या टाइम पे निकल रही हैं, क्या कपड़े पहन के निकल रही हैं, क्यों निकल रही हैं? तो मैं समझती हूँ टूरिज्म के लिए जितना ध्यान देना चाहिए उससे ज्यादा आप अपने जो लोग रह रहे हैं उन पे भी तो ध्यान दीजिए। अब रामगढ़ बांध है, मैं इसके बारे में आपको सॉरी इंटरप्ट करके बोलना चाहती हूँ, कल ही यह हुआ है कि रामगढ़ के उधर पानी आने लगा है और जयपुर नगर निगम एकदम, जयपुर जेडीए, जयपुर नगर निगम एकदम अतिक्रमण हटाने लगी है और वहां पे पानी आया है। ये कब तक पानी आएगा? क्या ये पानी एशियाड के अंदर, रामगढ़ बांध एशियाड के अंदर, यहाँ पे एशियाड का बोटिंग इवेंट हुआ था, उसके बाद में हमारी सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया और आज क्या ध्यान दे रहे हैं? वाटर कंजर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए सोलर एनर्जी, इन्होंने बात तो की है मगर क्या उसकी इंप्लीमेंटेशन होगी? थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम 5 साल आगे करने के लिए 10 साल पीछे नहीं जा सकते दुनिया से, एनवायरमेंट के लिए क्या करेंगे? तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, मुझे लगता है ये इट इज टू अर्ली हम इसके बारे में आज बात कर रहे हैं, ये इम्प्लीमेंट जब हो जाएगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपने सही मुद्दा उठाया और जो कहा ये जा रहा है, आपने एनवायरमेंट की बात कही है उसके लिए गवर्नमेंट ने इसमें जिक्र किया है पूरे सभी शहरों के लिए और ग्रीन एक कमीशन की भी बात कही है कि एक आयोग बनेगा उसके लिए। लेकिन आयोग तो बहुत बनते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए नया आयोग बन जाता है, एक बजट अलॉट किया जाता है, एलोकेशन होता है, बट इम्प्लीमेंटेशन होता है। एजुकेशन का
जो इम्प्लीमेंटेशन इम्पोर्टेंट है। मैं आऊंगा आपके पास में वापस एक बार। संस्कृति हमारे साथ में जुड़ी हुई है। अभी शालिनी जी ने जो एक बात उठाई कि विभिन्न सिक्योरिटी की थानों को लेकर के बड़ी बातें आती हैं कि थानों में मिसबिहेव होता है, मॉनिटरिंग ठीक से नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट किया है कि हर थाने में रिसेप्शन होगा, उसके अलावा सीसीटीवी कैमरेज भी होंगे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस नेचर का व्यक्ति आया, उसके साथ किस तरह से पुलिस ने ट्रीट किया। अब तो एक स्टूडेंट भी रही हैं, लो भी पढ़ा है, वास्तव में अब समय के साथ में इन चीजों की जरूरत है, होनी चाहिए। नमस्ते। इन चीजों की जरूरत बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली आज के टाइम पे जब हम देख रहे हैं कि इतने सारे रेप्स हो रहे हैं, इतने सारे अलग तरह के भी वायलेंसेस हो रहे हैं, बी एट आदमी को लेके या औरत को लेके। हम ये नहीं कह सकते कि आप औरत की सेफ्टी देखिए आदमी की नहीं देखिए, या आदमी की देखिए औरत की नहीं देखिए, बिकॉज इन दोनों की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है। बट हाँ, अभी जो आस पास के टाइम पे जो जो हो रहा है उसको देख के मुझे भी ये लगता है कि आजकल औरत की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट हो रही है, और पुलिस थानों में बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक डेकोरम हो। जैसे लॉ ने तो बनाया है कि एक औरत सनसेट के बाद पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकती, या सिर्फ एक महिला पुलिस एक औरत को बात कर सकती है उनसे, तो ये सब इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। अगर कोई औरत पुलिस स्टेशन में सनसेट के बाद है तो वो रजिस्टर होना चाहिए, वो सीसीटीवी पे एक ऐसे जगह बैठनी चाहिए जहां पे उनको सेफ लगे। सो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सब इम्प्लीमेंट सिर्फ हम खुद और पुलिस। मुख्यमंत्री ने एक बात और कही थी जब स्पीच दे रहे थे, उस दरमियान एक बात कही उन्होंने कि थानों में पब्लिक की सेवा के लिए है, उसे न्याय के रास्ते पे ले जाने के लिए है, लेकिन अभी भय का माहौल है लोगों में कि थाने में जाए नहीं जाए, आम आदमी जाने से डरता है। ये सिर्फ इस वजह से कि पुलिस का बिहेव कैसा होगा, या लोग उससे रोज देखते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं, उसे थोड़ा पब्लिक फ्रेंडली बनाने के लिए कि समाज का ही एक हिस्सा पुलिस है, पब्लिक से वैसे ही हो, उसे सीसीटीवी कैमरे और इस वजह से लगाए जा रहे हैं क्या वास्तव में। लेकिन बात यह है कि क्या तो जा रहा है सब कुछ, इससे कुछ स्थितियां बदलेंगी? देखिए, अब मैं तो चाहती हूँ कि स्थितियां बदले जी, बट ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हम कह दें कि हम आज सीसीटीवी लगा देंगे और जो भी दुष्कर्म पुलिस स्टेशन में होते वो बंद हो जाएंगे, वो कहना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि सीसीटीवी भी गवर्नमेंट के पास है। वो हमें नहीं पता कि सीसीटीवी को कौन ऑपरेट कर रहा है, उसमें से कौन सी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, साथ ही मुझे लगता है वो ओपन होना चाहिए, उसके जो वीडियोज हैं उनको डिलीट ना करें, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो, उसका सीरियल जो है वो बना रहे। टैम्पर करना बहुत इजी है इन सबको जी। मैं चले शील दाभाई जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार, पूर्व महापौर हैं। शील जी, आपने तो जयपुर को बहुत अच्छे से देखा है, आपने तो ऑपरेट भी किया है जयपुर को जी। बजट में कुछ है कि जो आपकी भावनाओं के अनुकूल हो कि हाँ वास्तव में होना चाहिए था ये? तो मैं सिर्फ जयपुर के संबंध में बोलूं या ओवरऑल बजट में बोलूं? मैं जयपुर के बारे में, मैं स्पेसिफिक जयपुर के लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जयपुर क्योंकि कैपिटल है ये। देखिए, लोकसभा चुनाव में हार से उबरने के लिए, जयपुर वासियों को खुश करने के लिए एक आंकड़ों में बुना हुआ एक ऐसा बजट है जिसको कहना चाहिए पुरानी बोतल में नया रंग रूप बदल कर पेय प्रस्तुत किया गया। अब आप इस जयपुर शहर की बात कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में यह शामिल हो गया है। आपको भी याद होगा योगेंद्र जी, 2002 में भी विश्व के 5 शहरों में यूनेस्को अवार्ड जयपुर को मिला था, और प्रयास भी किए थे, मैंने भी किए थे, उसके बाद भी हुए थे। ये हेरिटेज वॉक की जो आज बात कर रहे हैं, पहले भी बना था, पताशों का मार्केट, चूड़ी मीना बाजार, ये सारे जो थे उनमें हेरिटेज वॉक किया गया था। उसके जब अशोक गहलोत सरकार थी तो वो कहीं पर भी वो काम नहीं हुआ, और वो वैसा का वैसा रुक गया, वो काम नहीं हुआ। आज भी सपने दिखाए, बहुत अच्छी बात है, और ये भी निश्चित है कि लाखों लोग जो है वो साइट पर हेरिटेज सिटी देख करके आते हैं, और निश्चित तौर पर इसमें लाखों, ये कहना चाहिए, पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन
जो खास बात जो ध्यान देनी चाहिए थी वो ये थी कि क्या हमारा जयपुर शहर पर्यावरण से मुक्त है। नंबर टू, जैसा कि अभी जिक्र हुआ कि जिस तरह से आवारा पशु यहाँ पर जो डोल रहे हैं उनकी क्या व्यवस्था की है। तीसरी बात जो कि कानून व्यवस्था की, जैसी शालिनी जी ने बात की, एक पर्यटक आएगा, हमारे पर्यटकों की कमी इसलिए आई क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ पर पर्यटकों के साथ में दुर्व्यवहार हो रहा था। कमी तो नहीं आई, आप तो कह रहे हैं कि ज्यादा आ रहे हैं लोग, इसमें कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बीच में रुक गए थे, जिस तरह से लेडीज के साथ हुआ था बहुत इसका इम्पैक्ट गया था, और वो कहना चाहिए दूतावास में भी, वहां तक उनकी नाइजेरियन थी पता नहीं, शायद मेरे जहां तक है, तो वो उसका टूरिज्म उन्होंने रोक दिए थे। तो सबसे पहला कोई टूरिस्ट आता है उसकी सिक्योरिटी की व्यवस्था भी इसमें होनी चाहिए, क्लीन तो बिल्कुल सबसे यही बात आ रही है, बिल्कुल नहीं जिम्मेदारी थी। लेकिन जी, सफाई को लेकर के आप सवाल खड़ा मत करिए, क्योंकि तीन दिन पहले ही, जब बजट से पहले, आप ही के पार्टी के एक दिग्गज नेता थे, उन्होंने कहा कि आप पहले जयपुर था और अब देखिए प्रधानमंत्री जी की बात का असर है कि जयपुर बिल्कुल साफ हो गया है। तो ये मत कहिए कि बजट के बाद में तो गंदा हो गया और बजट से पहले प्रधानमंत्री जी के अनाउंसमेंट की वजह से साफ था। देखिए मैं एक बात और बता दूं कि जो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात सेंटर के बजट में की गई थी, उसी से प्रेरित होकर यहाँ पर इन्होंने कहा कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनको हम प्रमोट करेंगे, ये बात हुई। अच्छा दूसरी बात, जो आप सफाई की बात कर रहे हैं, सफाई तो इम्पोर्टेंट है ही। तीसरी बात ये कि जो आउटर सिटी में पानी की बहुत कमी है, बिल्कुल कोई इसमें व्यवस्था नहीं की गई। क्या जयपुर वॉल सिटी के लोगों की पानी की जरूरत है, बाहर के लोगों को नहीं है? पृथ्वीराज नगर योजना आपने बनाया, वहां पर ना तो कोई डेवलपमेंट के बारे में कुछ कहा गया, ना पानी की व्यवस्था के बारे में कुछ कहा गया। तो और जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो मानसी लिखा है कि पेयजल, राजीव गांधी जल संरक्षण एक वो बनाया जाएगा, बस वही मैंने कहा ना कि सिर्फ योजनाओं के नाम चेंज कर दिए। अब जो द्रव्यवती नदी थी हमारी सरकार में भी चल रही थी, उसमें वो काम को आगे बढ़ाना था, मेट्रो सिटी का भी आपका चल रहा है, और जो आप उसको मानसिंह जिसके कह रहे हैं ना संग्रह, जिसकी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अशोक जी गहलोत ने 2008 में इसको शुरू किया था, लेकिन वो जस की तस पड़ा है। तो आप लोगों की जिम्मेदारी थी आगे बढ़ाना चाहिए था उसको 5 साल में। हमने देखिए हमारी जब सरकार थी अभी 17-18 में भी उसके लिए बजट एलोकेट किया गया था और उस पर काम चल रहा था, और जो हमारे जहां तक वो है जो लखावत जी उन्होंने भी इस पर ध्यान दिया था। एक पॉइंट बोलना कि जयपुर में जो मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया है, जो मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किया है, मेरे हिसाब से ये शायद जरूर लोगों को फायदा देगा। ये दिल्ली को देख के मुझे लगता है उसके रूबरू महिला नहीं मोहल्ला क्लिनिक, जयपुर में पहले भी क्लिनिक थे। आप चल जाइए जाटियों के रास्ते में, चल जाइए जलाल मुंशी के रास्ते में, चल जाइए बगलों वालों के रास्ते में, चल जाइए सब रास्तों में क्लिनिक पहले भी थी, आज भी है। पहले ही लोगों ने उसको बंद जैसी स्थिति पैदा कर दी थी, अभी उसको पुनः चालू करना चाहते नहीं। ये कह रहे नंदीग्राम, हमने नंदीगढ़ बनाने की बात की है तो हमारी मैं आऊंगा दूसरे चरण के लिए भी कुछ रखिए। अभी मैं आपके बात का जवाब सुशील जी से ले लूं। सुशील जी, निगम का आप हिस्सा है, वैसे तो हर पार्षद है, लेकिन आप तो बोर्ड में अभी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, तो आप पहले तो बजट पे मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। अभी शीलता भाई जी तो कह रही हैं कि सब पुरानी चीजें जो हैं बस उन्हें अपने अंदाज में पेश किया है गहलोत साहब ने। तो शीलता भाई जी का स्वागत करता हूं, और मैंने तमाम जितने भी अपने पार्टिसिपेट बैठे इन सबकी बात सुनी है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इनका तो नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये उस बजट की आलोचना करें और जितनी कर सके उसमें नंबर बढ़ेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि अशोक गहलोत जी ने जयपुर को जो दिया इस बजट में, निश्चित रूप से ये सौगातों का पिटारा खोला है। अब वो किस वजह से खोला है, मैं आपको किससे प्रेरित हुए ये बात भी नहीं है। बात ये कि जयपुर यदि आम सब के लिए है, हम सब सबसे पहला काम मैं बजट कैसा भी पेश कर दे हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, हमारी नीयत में है क्या इसको इम्प्लीमेंट करना। अब जयपुर की जाम से मुक्ति मिल जाए बहुत बड़ी बात, इसके लिए सरकार ने कुछ बजट अलॉट किया है, सरकार प्रयास करेगी निश्चित रूप से। ये बहुत बड़ी समस्या है, आप अगर मैं घर से निकलते हैं जब रास्ते में इस बात से टकराते हैं तो इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी था मेट्रो होना। दिल्ली को मेट्रो मिलने से दिल्ली को जाम से मुक्ति मिली, तो मेट्रो का एक फेज था। दूसरी बार में कुछ नहीं हुआ ना, अब मेट्रो के लिए फिर उन्होंने ट्राई की। मेट्रो अशोक गहलोत जी की चलाई हुई है, ये उन्हीं की देन है, इससे इनकार नहीं कर सकता कोई। और फिर उन्होंने सोचा है, उस वक्त इन्होंने विरोध किया था कि यार अभी जरूरत नहीं है, 20 साल बाद चाहिए मेट्रो। अरे आज चालू करोगे तो 20 साल बाद होगा,
आप सोचो तो सर, अशोक गहलोत जी ने कहा था कि इसको बनाएंगे अपन, जो हमारी पुरानी जो थी विधानसभा उसमें संग्रहालय बनाएंगे, काम शुरू हो गया था। अब लीगली पॉइंट आ गया, उन्होंने रोक दिया, राजघराने का था, ये क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया, अब पैसा भी अलॉट हो गया, तो बनेगा, कहीं दिक्कत नहीं। तो दिक्कत आती है, लीगली दिक्कतें आती है, हमारी नीयत साफ है कि नहीं, हम करना चाहते हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। अब इलेक्ट्रॉनिक बसें चलेगी तो निश्चित रूप से प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, जानवरों से मुक्ति मिलेगी, अब उनके लिए व्यवस्था भी चाहिए, मार थोड़े दें उन जानवरों को, उनके लिए हमने गौशालाओं की व्यवस्था करी। तो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सारा काम धरती पे आ ही जाएगा, पूरा रामराज आ जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी दो दिन पहले एक चैनल पे था, उन्होंने पूछा साहब आप विश्व स्तरीय शहर में शामिल हो गए, आपकी क्या प्रतिक्रिया? मैंने कहा इसमें हमारा क्या रोल है, ये तो राजा महाराजा बना गए, हम तो उनको संभाल के रख लें, ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा जिन राजा महाराजों ने जयपुर शहर को बनाया, जिनकी कल्पना थी, इतनी बड़ी बड़ी सड़कें, इतना लंबा चौड़ा वाल सिटी बनाया, सीरियल से दुकानें बसाई, आज कहां है? आज तो हमने सत्यानाश कर दिया इस शहर का। एक बड़ा जो अनाउंसमेंट किया है, भिक्षावृत्ति से मुक्ति मिलेगी, देखो प्रयास है, क्योंकि ये जिक्र मैं इस वजह से कर रहा हूं, मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी बाद में एसीएस बनी अदिति मेहता जी सर, उन्होंने बहुत कोशिश की थी इस पे, और उनकी बड़ी इच्छा भी थी, वो सोशल एंगल से इसको सोच रही थी कि ये बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए थे, इनके हाथ में पेन होना चाहिए, ये यहाँ पे भिक्षा मांग रहे हैं। और कभी उसमें जब डेथ में गए तब कई चीजें खुल के भी आई, उसमें रैकेट चल रहे, रैकेट चलते हैं, ठीक बात। तो अभी क्या लगता है आपको? मुझे क्या सभी को लगता है कि भिक्षा प्रति से फ्री होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी चाहे आपकी हो चाहे पुलिस की हो, ये अपना रोल अदा क्यों नहीं कर रहे हो? आखिर मुख्यमंत्री हो चाहे सरकार, कहना क्यों पड़ रहा है कि भिक्षा प्रति से फ्री होना चाहिए? इस पीड़ा को भोग रहे हैं ना हम, अभी अभी बताया गया, जनता भी भोग रही है, जनता तो भोग ही रही है, सरकारें भी देख रही है, उनकी आंखें बंद नहीं है, हम सारे भोग रहे हैं इस पीड़ा को। निश्चित रूप से एक प्रयास है कि ये भिक्षा प्रति से मुक्त हो जाए, और वो जो बच्चे हैं जिनको जो भीख मांग रहे हैं वो पढ़े और वो एक अच्छे नागरिक बन जाए, तो इस सब के लिए हमें प्रयास करना है। भिक्षा देने वाले कौन है सर? वो बात तो सही है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, देने वाली हमारी पब्लिक जो है वो एक रुपया मांगना ही यार बहुत गरीब है, दे दें अपन। अब सरकार ने कानून बना दिया आप भिक्षा नहीं दोगे तो हम दे रहे हैं, तो फिर तो वो लेने के लिए तैयार रहेंगे, दूसरा रास्ता खोल लिया। ये वैसा अनाउंसमेंट है सर कि अगर किसी जिले के अंदर कमिश्नरेट है यहाँ पे अपने यहाँ पे जयपुर के अंदर, और जयपुर कमिश्नरेट अगर कोई फेल होती है, कहा जाता है कि सर सिक्योरिटी के लिए सीआरपीएफ लगाई जाएगी, इसका मतलब पुलिस फेल है आपकी, अगर मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट कर रहा है तो जयपुर को जो एजेंसीज डील कर रही हैं, जिसमें आपका नगर निगम भी है, ये लोग कहीं ना कहीं अपने फेल्योर पॉइंट, निश्चित रूप से फेल्योर है, इसमें मुझे कोई वो नहीं है, शर्म नहीं आ रही है, फेल हुए तभी तो मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि आप इसके लिए कुछ करो जी। पहले दिन से यदि हम ये लग जाते सारे जो आए कि भाई भिक्षा नहीं मांगे बच्चे, तो इतनी नौबत नहीं आती मुख्यमंत्री को, क्या बजट में लाने की बातें है क्या? ये हमें भीख नहीं मंगानी चाहिए, लेकिन मजबूरी में लेके आए कि ये काम बड़ा हो गया, अब जयपुर विश्व स्तरीय शहर बन गया, भीख मांगते हुए बच्चे मिलेंगे, तो उन पर्यटकों पर क्या क्या मैसेज देंगे? आपको पता नहीं जो भी पर्यटक यहाँ आता है वो हमारी खूबसूरती की फोटो कम खींचता है और हमारी दुर्दशा की फोटो ज्यादा खींचते हैं, इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पार्टी लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, हम सबको हमारी नीयत साफ करनी पड़ेगी। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, सिविक सेंस जागरूक नहीं होगा, क्या करेगी सफाई? आप कचरा डस्टबिन में डालते नहीं हो, सड़क पे फेंकोगे तो कुछ नहीं कर सकता, क्या नगर निगम करेगी और क्या मेयर साहब करेंगे, क्या मुख्यमंत्री? पब्लिक को भी थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा, बिल्कुल पब्लिक को अवेयरनेस है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, पब्लिक का सहयोग बहुत जरूरी है। अभी तो विश्व स्तरीय शहर में शामिल हुआ है, अभी लोग बाहर से आएंगे, और ये जब इन्होंने कहा, जब लोग इसको देखकर, आजकल जमाना बदल गया, बहुत हाई स्पीड से जमाना बदल गया, लोग आएंगे तो तब तक हमें इसको मेंटेन रखना है, अभी तो 2 साल का समय दिया है उन्होंने, बहुत सारे काम हमें करने हैं, जब जाके इसके मुहर लगेगी, घोषणा तो कर दी उन्होंने, लेकिन यदि उन्होंने फेल हो गए तो नहीं कर पाएंगे। इस पर चर्चाएं चली, मुख्यमंत्री जी ने बजट में ये देख के साबित कर दिया कि हम भी आपके साथ हैं, आप करो इस काम को, डिपार्टमेंटों को सबको ये निर्देश दे दिए कि आप ये करो, मैंने घोषणा कर दी है, और कोई लीगली अड़चन आती है तो उसको भी सोल्व करेंगे, निश्चित रूप से उनकी मंशा जो है ना। अब राजनीतिक दृष्टिकोण से उन पर आरोप लगाते हैं, नई बोतल है, पुरानी शराब है, ये ठीक नहीं, नहीं नहीं, हाँ नहीं, मैं बोल रहा, मैं बोल दिया सर, मैं ले दिया ना नाम, मैंने ले दिया ना, आपने सीधा सीधा इशारा कर दिया, आपने सीधा सीधा इशारा कर दिया। अरे आप भी तो मेयर रही हैं, आपने भी देखा, जब कुर्सी पर आदमी बैठता, काम को इम्प्लीमेंट करता, तब बहन जी दिक्कत आती है, भाषण देने में कहीं तकलीफ नहीं है, घोषणा करना कहीं आसान है, उसको इम्प्लीमेंट अमली जमा पहचाना बहुत कठिन काम है। अजी आपकी योजनाएं हमारी अलग अलग नहीं है, आप लोगों को खुशी होनी चाहिए,
तो ये तो तारीफ कर दीजिए, बजट बहुत अच्छा है कि हमारी योजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। किसी को देख के ही तो करोगे आप कोई काम, यही तो कह रही हूँ। कोई अच्छा काम हुआ उसका इंप्लीमेंट हो रहा है तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपको वो चीज ड्राइवर की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तभी तो आप कराए ना। नहीं जरूरी नहीं है कि ये वहाँ बढ़िया काम हो रहा है। मेट्रो किसको देख के चलाई हमने, दिल्ली में तो पहले चल गई थी, चलानी चाहिए थी हमें। तो आपने तो विरोध किया इनका, आपका तो काम है। नहीं विरोध इसलिए किया था, करना भी चाहिए, आपकी बुराई नहीं है आपकी, करना भी चाहिए आपको। लेकिन मैं तो कहीं विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो श्रेय भी नहीं लिया कि हमने बना दिया विश्व स्तरीय शहर। ये तो राजा महाराजा बना गए, आज उसको मेंटेन करना हमारे सबकी जिम्मेदारी है। अरे आप तो तारीफ कर रहे हैं, वहाँ तारीफ कहाँ हो रही है, तारीफ एक साइड में ली। सुनो सुनो, अरे सुशील जी, सुशील जी मैं आऊंगा आपके पास में। एक 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 सवाल मेरा, मैं एक सवाल मेरा सुशीलता भाई जी आपसे, आपसे इस वजह से क्या महापौर रही हुई है। मुख्यमंत्री 2012 में एक जवाबदेही कानून लेके आए थे, और मुझे लगता है कि जवाबदेही कानून उसकी जो डेप्थ मैंने पढ़ा है उस एक्ट को पूरे को, उसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसका काम है, जिम्मेदारी किसी की भी, वो पूरा होना चाहिए, और एक टाइम बाउंड प्रोग्राम, टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए कि इतने दिन में अगर डिस्पोजल नहीं कर पा रहे तो उसकी वजह होनी चाहिए। आदमी चक्कर लगा रहा है दो महीने तक, किसी को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है, किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, किसी को डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि एक वीक में मिलेगा, 10 दिन में मिलेगा, 2 दिन में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताए तो सही, इस फाइल को डिस्पोजल करिए। आप उसको ऑनलाइन बताइए कि साहब इस वजह से ये नहीं बन पा रहा, आपकी ये कमी, आज पासपोर्ट आता है, पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन होता है या कुछ भी होता है, तो आपको मालूम होता है कि मेरा पासपोर्ट इस वजह से अटका हुआ है। तो ये जवाबदेही कानून 2012 में आया, सीधा आरोप कल मुख्यमंत्री ने लगाया कि 5 साल तक आप लोगों ने उस जवाबदेही का भट्ठा बैठा दिया, जवाबदेही में कुछ नहीं कर पाए, आप तो मेयर भी रही हैं। वास्तव में आवश्यकता है इस बात की कि जवाबदेही कानून आना चाहिए। अब वापस उन्होंने जिक्र किया है कि 2012 के कानून को हम वापस लागू करेंगे, और जो निकम्मापन चाहे मेरे मंत्रिमंडल के सदस्यों का हो या ब्यूरोक्रेट्स का हो, उनको तैयारी कर लेनी चाहिए घर जाने की। नहीं, ये तो अच्छी बात है। हाँ, इंप्लीमेंट भी होना चाहिए और इंप्लीमेंट भी इस पर होना चाहिए। ये बजट की अच्छाई पूछ रही थी, बजट की अच्छाई बताऊं जो मुझे सबसे अच्छी लगी। मैं इसी पे एक बार, नहीं नहीं आप ही बोलिए, इसको ड्रॉप करने का आरोप लगा है कि भाजपा ने इसे ड्रॉप किया कि जवाबदेही जब होगी नहीं तो जवाब किस बात का देना। नहीं देखिए गहलोत जी, जब कोई काम कुछ ऐसा जवाब नहीं बनते बनता है उनसे बन पड़ता है तो वो इसी तरह के आरोप लगाते हैं, जैसे कि उनकी पुरानी आदत है। अभी आपको जी जी अब तो बोलिए बोलिए बोलिए, आप ही को जवाब देना। नहीं बिल्कुल, अब जैसे कई काम ऐसे थे, अब उसकी दवा योजना की बात कर रहे थे कि सरकार ने हमारी दवा मुफ्त दवा योजना बंद कर दी। हमने कहां बंद करी, हमने तो और ज्यादा दवाइयां उसमें इंक्लूड करी थी, जबकि वो इसी पर करते रहे। शिक्षा की वो बात कर रहे थे कि हमारे स्कूल भाजपा सरकार ने बंद कर दिए, 4,000 स्कूल बंद कर दिए। उसके पीछे रीजन क्या था, उसके पीछे रीजन ये था कि वो स्कूलों में 2-4 स्टूडेंट थे, टीचर भी नहीं पढ़ाने के लिए आते थे, इसलिए उनको बंद किया। वो उन्होंने, गहलोत जी ने कहा कि आपने पेंशन बंद कर दी, हमने पेंशन उनको बंद की जो उस पेंशन लेने के हकदार नहीं थे, जो लगातार उसमें ऐसे थे जिनको पेंशन मिल रही थी। उन्होंने कहा कि बीपीएल के जो लोग थे उनको उन्होंने आउट कर दिया, हमने उनको आउट किया, जिनके घर में बिल्डिंग खड़ी थी, घर के आगे कार खड़ी थी, उनको हमने बंद किया। तो गहलोत जी की आदत है। मैं तो बोलना चाहूंगी कि बजट पेश करते करते उन्होंने बोला कि 5 बजे तक जो लोग काम नहीं करते, मुझे लगता है कि लोगों को रिटायरमेंट दे देना चाहिए, तो खुद को उनको वीआरएस ले लेनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि अगर उन्होंने इतनी बड़ी बात सोची है तो इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, क्योंकि यहीं से बेटरमेंट स्टार्ट होगा। देखिए जब ऊपर से रिफॉर्म्स आते हैं ना तो नीचे से रेवोल्यूशन नहीं आता। जिंदगी में वर्ल्ड ओवर रिफॉर्म्स हमेशा ऊपर से आते हैं और रेवोल्यूशन सबसे नीचे से आते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे देश में रेवोल्यूशन ना आए तो सरकार को रिफॉर्म्स देने ही पड़ेंगे, देने ही चाहिए और देते रहे। मुझे लगता है कि जवाबदेही की एक बड़ी वजह यह है कि आने वाला वक्त जो होगा ये बहुत पीड़ा की बात है। 84% पैसा जो हमारा है डेवलपमेंट के नाम पे टैक्स, आप सब लोग हम टैक्स देते हैं, उसका पैसा पेंशन और भत्ते और तनख्वाह पे खर्च हो रहा है, मात्र 16% है और फिर भी जवाबदेही नहीं है। अगर आज ये देखे जयपुर का, आप दोनों जानते हैं बहुत अच्छे से, जेडीए ने हालांकि काम कराया,
जयपुर में बीआरटीएस बना, अरबों रुपए उसमें लगा दिया, अरबों रुपए। कौन चल रहा है उसमें? जो गाड़ी लेके चलता है वो कंफ्यूज हो रहा होता है कि मुझे इसमें घुसना है किसमें घुसना है, इतने में एक्सीडेंट हो। नहीं, ये तो मैं बताना चाहूंगी, ये जवाब दे किसकी है? ये तो जो लोग फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और उन्होंने देखा बड़ी बस कितनी काम की है, उन्होंने शहर में लंबी लंबी बसें चला दी। जी क्यों? आज हम फॉरेन नहीं है, दिस इज इंडिया। और आज अगर आप स्पेसिफिकली जयपुर की बात कर रहे हैं, जब हमारा रास्ता जितना है, जैसी पॉपुलेशन है, बस भी उस अनुसार होनी चाहिए। इतनी लंबी बस ने तो 10 जनों की गाड़ियों के रास्ता ब्लॉक कर दिया है जी। तो कुलवार साहब के पास जाना चाहूंगा। कुलवार साहब, एक आरोप हमेशा लगता है बजट में, पिछले कई सालों से सुन रहा हूं, 22 साल से जयपुर में मुझे जर्नलिज्म करते हो गया, कि पूर्ववर्ती सरकार की वजह से यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई, इसको रोक दिया गया। हमें सौतेला जैसा भी शील दवाई जी कह रही हैं कि हमारे वक्त दवाइयों की संख्या में, नंबर ऑफ मेडिसिन, उसमें इजाफा किया हमने, और गहलोत साहब इसका आरोप लगा रहे हैं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो वास्तव में बजट में हमेशा एक परंपरा बन गई, क्या कुछ इसकी हकीकत क्या है? देखिए योगेंद्र जी, जो भी सरकार आती है वो अपनी बात करती है और दूसरे किसी की बात को समझना चाहती ही नहीं है। आज मैं उस, क्योंकि अभी बात हो रही है परकोटे की, और मैं परकोटे के विषय में बात करना चाहता हूं और मैं उससे बाहर जाना भी नहीं चाहता हूं। आज जो परकोटे में जलेबी चौक है उसके आगे गोविंद देव जी का मंदिर है। योगेंद्र जी, शायद गोविंद देव जी संडे आप भी शायद जाते होंगे मेरे ख्याल से। जब जलेबी चौक, जहां व्यापारी को सिटी प्लेस किराए लेके उनको रहा रखा हुआ था, तब उस समय स्वायत्त शासन मंत्री पंडित भवलाल शर्मा वो कहते थे, उन्होंने वहां के सारे व्यापारियों को बाहर निकाला। सीटी प्लेस ने बोला ये हमारे किराएदार हैं, तो सरकार ने बोला नहीं, ये प्रॉपर्टी हमारी है। आज वही सिटी प्लेस वहां पे पार्किंग के पैसे लेता है और वही सरकार उसको देख रही है। और कितना पैसा जलेबी चौक पे खर्च कर दिया गया, अगर वो आज इस 20 साल के इतिहास में सरकार बता दे मुझे कितना पैसा जलेबी चौक पे खर्च किया गया। और आज जलेबी चौक पे कौन लोग रहते हैं, कौन लोग उसका एक गाड़ियों का टैक्स लेते हैं, कौन लोग उसका, जो अब इन्होंने एक स्कूल जो इनका खुला है उसका गेट भी इन्होंने खोल दिया उधर, और उधर उन्होंने पार्किंग भी उन्होंने बना दी पूरी। तो आज जब जलेबी चौक सरकार का है, यही बात जो बहन जी कर रही थी, मैं बोला मानसिक टाउन हॉल का भी यही है। मानसिंह टाउन हॉल के लिए न्यू आए, क्योंकि जो इनका कॉमिनेंट है ना, खर्चा तो बजट बजट पे आए, बजट बजट पे जाए सब चीजें, खर्चा किस प्राइवेट जगह पे पैसा खर्च करेगी सरकार? अगर जलेबी चौक सरकार का है तो जनता को जलेबी चौक में पार्किंग करने का पैसा क्यों ले रही है? इतना बड़ा जलेबी चौक है और कितनी बार वहां पर रंग हो गया, कितनी बार गेट बदल दिए, और आज भी वहां पे जो संरक्षक कौन सा वो संस्था है जिसका ऑफिस वहीं है आज। योगेंद्र जी, परकोटा अभी सिटी जो ये वर्ल्ड सिटी चल रही है, आपने किसन पोल बाजार बनाया, वहां पे हरी पट्टी बनाई आपने साइकिल के लिए सुबह चलने के लिए। आज ऐसे कीजिए, सुशील जी भाई साहब जयपुर के महापौर जो बैठी हैं, पूर्व महापौर, ये चलिए सुबह वहां पे साइकिल चला के मुझे बता दीजिए, सारी वहां पर, सारी वहां पर टोटल वहां पे गाड़ियां पार्किंग होती है। तो सवाल है कि आप जब तक हमको इसकी प्रॉपर वे, अगर आप देखिए सख्ती करनी पड़ेगी, सख्ती के विरोध कोई नहीं कर रहा है, सख्ती का कोई विरोध नहीं कर रहा है। आज इतनी बड़ा आपने पैसा खर्च कर दिया, 3 करोड़ रुपए उस पर खर्च कर दिया, और आज स्थिति वहां पर वो की वही है, वही गाड़ियां पार्किंग हो रही है। सवाल है योगेंद्र जी, पर कोटा इतना सुंदर सिटी, सुशील जी भाषा में सही कहा कि राजा महाराजाओं ने बनाया, हम तो इसकी देखभाल करने वही बहुत है। देखभाल करने के नाम से कितना रुपया हर पंचवर्षीय योजना में खर्च हो रहा है? अगर सरकार इस पर सख्ती भी करेगी तो जनता इस पर नाराज नहीं होगी। बरिंडे खाली हुए, हो सकता है व्यापारी, हम व्यापारी पर नाराज हुए, पर आज व्यापारी राजी है कि ठीक है बरिंडे खाली हो गए। सवाल है कि जो परकोटे की जो स्थिति बनी हुई है, वो सरकार को इसको हाई लेवल पे इसको देखना होगा। इसके लिए आयोग, आयोग से काम होने वाला नहीं है, जनता को समझाइश का काम करने का सवाल है, आयोग जनता की समझाइश करे। लेकिन जनता को खुद को भी देखना होगा कि हाँ वास्तव में मैं यहाँ का वासिंदा हूँ, ये चीज अगर रहेगी तो हमारा नाम होगा। आज आप, एक जिक्र कर, आज आपने ट्रिपल, आपने ट्रिपल है भैया, एक जिक्र मैं करना चाहूंगा,
कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आए थे, वो बाई रोड आए थे। जब वो बड़ी चौपड़ पहुंचे तो एकदम से वो गाड़ी में खड़े होके यूं देखने लग गए कि मैं जयपुर में हूं कि कोई वीडियो गेम देख रहा हूं। ट्रैफिक के इधर से जा रहा है, कोई किसको क्रॉस कर रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है। तो ये जो स्थितियां हैं वो उसी को देख के बड़े रोमांचित हो कि ऐसा भी ट्रैफिक होता है। हालांकि हमारे लिए बड़ी दुख की बात थी ये कि उनको ऐसी चीज का सामना करना पड़ा, लेकिन वो गाड़ी रुकवा करके देखने लग गए कि ये कौन सा ट्रैफिक सिस्टम है। नहीं योगेंद्र की बात है, नहीं योगेंद्र जी, हम जनता समय कम है सर, मैं हम जनता सहयोग करने के लिए तैयार है, पर ट्रैफिक जो एसपी है वो तैयार है क्या हमसे सहयोग लेने के लिए? उनको सहयोग सिर्फ चाहिए क्या चीज का? सिर्फ चालान करने का। अजीत इस प्रकार आप अनुभव वक्ता जी बोलिए, आज आप हेलमेट, आज एक गली से दूसरी गली जा रहा है हेलमेट की बात करो, हेलमेट तो उस कंट्री में है जहां पे 120 की स्पीड में गाड़ी चलती है, बेल्ट तो जब लगाई जाती है तब गाड़ी की 140 की स्पीड होती है। आप इतने समय हैंड बेल्ट हमसे हेलमेट लगवा रहे हो? हमसे सही है कानून से परमनी हूं, पर कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए कि आप कानून क्या बना रहे हैं, कानून को सख्ती से पे। देखिए एक बात सुनिए, अब उसमें कोई पैरामीटर नहीं होगा कि चलिए वॉल सिटी में 40 की स्पीड से गाड़ी चल रही हो, जे लेन मार्ग पे 100 की, तो हेलमेट तो देखिए मुझे लगता है कि अनिवार्य होना चाहिए। ये बहुत सारे जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, एक बड़ा कारण है कि जिसमें हेड इंजरीज जो हो रही है वो या तो लगा नहीं रखे या डेथ का कारण बहुत बड़ा बन रहा है। ये तो अच्छी बात है कि रहे। मैं चलिए संस्कृति आपके पास मैं आना चाहूंगा, एक अनाउंसमेंट किया है कि इंडिया इंटरनेशनल हब की तरह एक सेंटर बनाया जाएगा जिसमें जॉब्स के अलावा सभी चीजों की उसमें जानकारी आप ले सकते हैं कि दुनिया से जुड़ सकते हैं वहीं से बैठ करके। तो वास्तव में पहला तो सवाल यह है कि क्या ऐसे सेंटर की आवश्यकता है, और अगर है तो वास्तव में यूथ क्या सोचते हैं इस अनाउंसमेंट को लेकर? बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है ये पहले तो, पर आवश्यकता तब पता पड़ेगी जब ये यूज में आएगा। आप ये नहीं कह सकते कि अब कि दिल्ली की तर्ज पे इंडिया इंटरनेशनल एक सेंटर हम बना रहे हैं जिसका अनुमानित बजट भी उन्होंने मुकर्रर किया है कि हाँ इतना पैसा इस पे खर्च होगा। क्योंकि देखिए कुछ चीजों पे सवाल इस वजह से खड़े होते हैं कि आप योजना लेके आ रहे हो, अनाउंसमेंट कर रहे हो, पैसा कहां से लाओगे? तो ये बजट अनाउंसमेंट है और बजट में इसका जिक्र भी किया है उन्होंने, तो हो सकता है कि ये हो। पहले तो ऐसे सेंटर्स के लिए एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इतने लोग जो कॉलेज जा ही नहीं रहे हैं वो इंटरनेशनल जॉब्स कैसे लेंगे? नहीं जॉब्स के लिए नहीं है, वो तो आपको हर तरह की जानकारी के लिए, दुनिया के बारे में जानकारी आप बैठ सकते हैं वहाँ पे। देखिए जानकारी तो आज हर जगह ही है, आप आज अपना फोन खोलिए, आप कुछ भी डाल दीजिए गूगल पे, जानकारी तो हर जगह है, बट आप उस जानकारी का करेंगे क्या? उनको ईजी कर देना चाहिए, जैसे जो लोग मान लीजिए इलिटरेट हैं, जो पढ़ नहीं सकते, उन लोगों के लिए ऐसी चीजें खोलनी चाहिए सो दैट उनको ईजी हो जाए ये सब। जो इतनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इंडिया में उसके लिए कुछ करना चाहिए, बिकॉज जब तक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी कितने भी आप इंटरनेशनल फोरम्स खोल दीजिए उनका कोई यूज नहीं रहेगा। तो एक तो एजुकेशन पे बहुत 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 फोकस करना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट पे बहुत फोकस करना चाहिए, बिकॉज हम यूथ है एंड आज की तारीख में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज्यादा है कि हम कॉलेज तो चले जाते हैं, बहुत पैसे भी देते हैं कॉलेज जाने के लिए, बट कॉलेज के बाद क्या? तो मुझे लगता है बजट में इन सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है इन्फॉर्मेशन निकालने के कई और मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना जिसमें 25,000 यूथ को 1,00,000 रुपए वो रोजगार के लिए देंगे। अब ये देखिए दूसरा स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अनाउंस कर रखा है, ये सरकार भी उसमें कुछ हेल्प कर रही है, एमएसएमई सेक्टर के लिए एक दिन पहले ही बिल लेकर के आई है। तो 1,00,000 रुपए रोजगार के लिए सरकार ने अनाउंस किया है, तो इससे कुछ लगता है कि अपना कोई काम छोटा मोटा कर सकेगा, खासकर यूथ के लिए रखा है उन्होंने ये। जी कोई काम छोटा नहीं होता, मैंने माना बहुत लोग कहते हैं कि आजकल के जमाने में 1,00,000 कुछ नहीं होता, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो करे इंसान, धीरे धीरे ही कुछ हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज काम करना चालू करूंगी और मेरे को महीने का 1 करोड़ मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो धीरे धीरे पर इम्प्लीमेंट हो, ये माना 1,00,000 स्मॉल अमाउंट है बट 1,00,000 तो दीजिए, उसको आप बढ़ाइए, ज्यादा वर्क दीजिए,
बट कहीं चालू तो करिए, मुझे लगता है ये चालू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात सही कह रहे हैं, सभी बजट बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन कितना होता है, उसके अलावा उसकी मॉनिटरिंग कितनी हो पाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे अभी कलर हो रहे हैं सब ठीक है, लेकिन कलर कैसा हो रहा है, उसकी टोन वैसी है कि नहीं है, जिस कलर के लिए हम पैसे बहा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। अभी जैसे कुलवाल साहब ने सही सवाल उठाया है कि एक स्मार्ट सिटी की तर्ज पे किशनपुर बाजार, उसके बाहर का जो गेट है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया है, लेकिन साइकिल वास्तव में अभी आज के दिन में तो साइकिल क्या, व्यक्ति उस ग्रीन प्लेट पे पैदल भी नहीं चल सकता। मैं संडे को जाता हूं, बात सही कहते हैं, लेकिन हमारे जो लोग देखते हैं रिपोर्टर्स, वो कहते हैं कि साहब ऐसी स्थितियां ही नहीं हो, तो पार्किंग पार्किंग आदमी कहां करेगा। सुबह देखे कि वहां तो पहले से ही पार्क रहता है पूरा, वो खाली नहीं रहता है, वो आदमी जाएगा कहां से। तो मुझे लगता है कि वास्तव में पार्किंग को कैसे कर सकते हैं, हालांकि इसकी पहल के लिए मुख्यमंत्री ने अनाउंस किया है कि पार्किंग एक बड़ी समस्या है, इससे निजात दिलाने के लिए कुछ करने जा रहे हैं। समय कम है, मैमुना जी मैं एक बार सुशील जी के पास और महापौर साहिबा के पास में जाना चाहूंगा जी। सुशील जी आपके पास आना चाहूंगा मैं पहले। हाँ, अनाउंसमेंट को लेकर जितनी हम चर्चा कर रहे हैं, बजट अच्छे होते हैं, लेकिन जनता को भरोसा नहीं हो पा रहा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हम हमारे सबके बीच में सबसे बच्ची कम एज की है, लेकिन ये भी जब सोचती है कि घोषणाएं तो बहुत सारी सुनते हैं, लेकिन हो पाए जब है, इसका मतलब भरोसा टूट रहा है पब्लिक का। देखिए साहब, भरोसा टूट रहा है तो बहुत, तो पब्लिक यदि खुद चाहती है कि ये हो जाए तो ही संभव है, घोषणाएं हो सकती है। पब्लिक मना नहीं, जैसे अभी मैंने एक देखा, एक परकोटे में नो व्हीकल जोन चालू किया, आपकी बार बार ये समस्या आ रही है साहब, पार्किंग जब व्हीकल ही नहीं जाएगा पार्किंग प्रॉब्लम नहीं रहेगी, आप उस परकोटे के अंदर व्हीकल जाने ही मत दो। अब इसके लिए व्यापारियों से मीटिंग करी, निगम में बातचीत हुई इसके लिए, तो उन्होंने कहा 11 बजे से 3 बजे तक हमें समय दे दो आप बीच में, तो ये पर भी चर्चा चल रही है कि कुछ समय के लिए छोड़ दें उसको, नो व्हीकल जोन रखिए। हाँ। लेकिन उसमें फिर वैसा है, आप वहां जाने के लिए संसाधन दीजिए, सुविधा दीजिए, ये भी नहीं हो कि पार्किंग के नाम पर लूट मचे। जो आदमी 50 लाख की कार लेके जा रहा है, 20 लाख की गाड़ी लेके जा रहा है, या अपने 50,000 की बाइक लेके जा रहा है, उसको टेंशन ये रहती है कि पैसे इतना। देखिए, एक माचिस की डिब्बी अगर 1 रुपए की आती है, उसका 10 रुपए कोई नहीं देना चाहेगा। आपकी बिल्कुल सही बात है, इसके लिए प्रयास किया गया, रामनिवास बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था भी करी गई, उसके लिए बाद में व्हीकल्स भी लगाए गए, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हुआ, हुआ ना, पिछली सरकार ने किया था, व्हीकल लगाए थे कि आप व्यापारी व्हीकल से बैठ के जाएंगे, नहीं जाता, सब अपनी कार से ही बैठ के जाना चाहते हैं। ये सहयोग लेना जरूरी है। देखो, बजट में तो कोई कमी है नहीं, अब नियत पर है कि उसको कितना कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट कितना अमली जामा, वो ही है कि आपके जो आपसे पहले एक बार जी को पूछ रही हैं, बहुत ही शॉर्ट में, मैं 30 सेकंड में आप बात कर। हाँ, देखिए, गहलोत जी ने कहा ये पीपल्स बजट, ये पीपल्स बजट उन्होंने कहा है, लेकिन आप देखिए कि पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाकर 10,000 करोड़ का फटका तो वो लगा चुके हैं। ये बात तो मत करो, वहां से ये तो परंपरा ऊपर से आ रही है, भारत सरकार ने भी बढ़ाया, वैट बढ़ाया, पैसे तो कहीं आएगा ना, पैसे कैसे आएगा, 300 करोड़ का उन्होंने राहत जो दी है वो ऊंट के मुंह में जीरो की बराबर है। शिव जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, देखिए यहाँ पे कि हम जब अपोजिशन में होते हैं तो जनता के दुख का एहसास होता है, सत्ता में मुझे होता है। बहुत अच्छे से ध्यान है कि अमित शाह जी ने एक बात कही थी बीजेपी की बैठक में कि फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, जिन स्टेट्स में भाजपा की सरकार है वो स्वयं निर्णय करके इसे डाउन करें, आपको ध्यान होगा, लेकिन उस वक्त पैसे कम नहीं हुए थे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अनाउंसमेंट था। तो मुझे लगता है, देखिए, एक पॉलिटिकल बयान हो सकता है, लेकिन सच्चाई से आप लोग वाकिफ हैं कि क्यों नहीं कर पा रहे थे, कर पा रहे थे, बहुत बड़ी डिमांड थी, पड़ोसी राज्यों के अंदर फ्यूल प्राइसेस किस तरह से थे और आज भी हैं, मैं इससे नहीं कह रहा, हमारे यहाँ पे महंगे हैं, तो हो ये रहा है कि सीमावर्ती जो क्षेत्रों में पेट्रोल पंप है, यहाँ का व्हीकल देखता है 10 लीटर डीजल ले लो, आगे जाके हरियाणा से भरवा लेंगे, दिल्ली से ले लेंगे, गुजरात से ले लेंगे, तो ये तो व्यवस्था आप लोगों को तय करनी है कि जब सरकार आती है तो गर्दन सिर्फ मिडिल क्लास तो से पब्लिक को उसकी नजर आती है। सुशील जी, आप खत्म कर रहे हैं अपनी बात, राहत और आफत की बात कही है अभी चिल्दा भाई जी ने। देखो साहब, देखो ऐसा है कि माने तो वो राहत भी है और नहीं माने तो आफत तो है ही। मैं अभी दवाई वाली बात करी थी, मैंने एक बहुत बड़ी बात कही थी मुख्यमंत्री जी से उस कार्यक्रम में, मैंने कहा ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि लोग बीमारी नहीं हो और आपको दवा देनी नहीं पड़े। ये तो बहुत अच्छी बात है,
आप वो व्यवस्था तो कर नहीं रहे हो। आप बीमार पड़ो हम आपको दवा मुफ्त देंगे, क्या समझदारी है इसमें? भामाशाह योजना लागू हुई, आज उसके उस भामाशाह योजना में करोड़ों रुपए खर्च हुए और आज उसका सत्यानाश हो गया। आज ये आया है भामाशाह खत्म कर दिया। क्यों छपाई थी महाराणी ने फोटो उस पर? फोटो छपी ना, बस इसी की लड़ाई थी। बात तो वही है, योजना वही है, उसका नाम बदला है। महाराणी ने फोटो छाप दी अपनी, बस तो वही है ना, नहीं छापनी चाहिए ना फोटो। मुख्यमंत्री अपनी फोटो छापते, अजी तो ये दोनों ही सरकारें करती आ रही है। आपने भी कहीं साइकिल का रंग भगवा कर देंगे, मतलब ये बेकार की इस एक्चुअल में दोनों सरकार। अब आपको मैं बताऊं, बीआरटीएस का आपने जिक्र करा था, बीआरटीएस का ये कांग्रेस का नहीं है हुई। सुशील जी बंदे में दम है, सुशील जी वो है और नहीं है। मुझे कांग्रेस से अशोक गहलोत जी से कोई टिकट नहीं लेनी है, ना वसुंधरा जी से लेनी है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्यों सत्यानाश करने पे तुले हुए हो आप। बीआरटीएस चालू किया हमने, द्रौपदी चालू हुई, हमने कहा एक ही बाढ़ आ गई डंकी, द्रौपदी बेजानी है सारी की सारी, अरबों रुपए लग रहे, 125 करोड़ रुपए मेहनत दे रहा जेडीए। अब सच्चाई को सुनना नहीं चाहता, बहुत सुंदर लग रही है। हमें प्रेजेंटेशन दिखाया था बिरला ऑडिटोरियम में, टाटा के लोग आए थे, करोड़ों रुपए की जमीनें नजर आ रही है, उनको जमीन चाहिए। द्रव्यती तो क्या डूबनी है एक दिन, बीआरटीएस की क्या दशा हो रही है? आपने खुद कहा 40 लोगों की जान ले ली, ये तो सब जानते हैं। विदेश में होता एक आदमी मर जाता तो उसका जवाब देना पड़ता, 40 मरे मेरे शिखर रोड पर, और कोई धनी थोड़ी नहीं। आज उसकी दुर्दशा हो रही है, अब ऐसी जाल में फांस बन गई वो कि उसको उखाड़ भी नहीं सकते, आधी बनी आधी बेबनी पड़ी है। अब सरकार के भारत सरकार, चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय कम है। कुल मिलाकर के बजट हमेशा अच्छा होता है, लेकिन बस ये है कि वो जनता के लिए काम करे समयबद्ध तरीके से, उस पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तभी वो बजट सार्थक है और कारगर है। अन्यथा तो बजट आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन जयपुर आपका हमारा है जो देख रहे हैं, और इसे बचाना है। सरकार ध्यान देगी, लेकिन आप लोगों की भी एक बड़ी ड्यूटी बनती है, मॉरल ड्यूटी है कि हम हमारी जगह को बहुत अच्छे से बना करके रखें, क्योंकि पब्लिक के बिना सहयोग के बजट कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।